वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम अपनी काउंटडाउन बुक 1 का पेज नंबर 57 करेंगे। आप लोगों ने काम करते वक्त यहाँ पे ज़रूर डेट मेंशन करनी है, ठीक है। आपके पास है एडिशन एक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू बैलेंस द स्केल्स। यहाँ पे कुछ स्केल्स दिए हुए हैं। स्केल्स आपने अक्सर तराजू देखे हुए होंगे, जहाँ पे जो सब्ज़ी मंडी में के जो है ना वो उसमें तोल रहे होते हैं चीज़ों को, सब्जियों को, ठीक है। इसी तरह होते हैं, एक साइड पे एक चीज़ होती है, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। एक साइड पे वेट्स लग के वो दूसरी साइड पे मेजर कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसी तरह उस तराजू को हम स्केल बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, एक स्केल दिया हुआ है, एक साइड यहाँ 4+6 और दूसरी साइड पे 3+7। इसी तरह आपको सम दिए गए हैं, उनमें आपने बोला क्या कह रहे हैं कि 4 में जब हमने 6 प्लस किए तो आंसर आया 10। अब 3 में हम कौन सा नंबर प्लस करेंगे कि हमारे पास 10 आ जाए। तो 3 में हमने कौन सा नंबर प्लस किया, 7। हमारे पास कितने बन जाएंगे, 10, ठीक है। इसी तरह पार्ट बी हमारे पास है। पार्ट बी में क्या करेंगे, 7+8 हुए 15। अब 9 में हम कौन सा नंबर प्लस करें कि हमारे पास 15 आ जाए। पहले तो हम 9 लाइंस लगाएंगे, ठीक है। लाइंस लगाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा लाइंस लगाएंगे 9 के अलावा कि हमारे पास 15 बन जाए। 9 के बाद क्या आता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 आ गया, तो 15 बनाने के लिए हमने कितनी लाइंस ऐड की, काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने 9 में कितने प्लस किए, 6। 9 में जब 6 प्लस किए तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 15। इसी तरह पार्ट सी, 7+6 कितने हैं, 13, ठीक है। अब 3 में कितने नंबर प्लस करें कि हमारे पास 13 आ जाए। तो पहले हम 3 लाइंस डालेंगे, 1, 2, 3। अब एक्स्ट्रा लाइंस डालेंगे ताकि हमारे पास 10 बन जाए। 3 में हम प्लस करें, 3 के बाद काउंट करें, जैसे 13 बन जाए, ठीक है। 1, 2, 3 डाल दिया, आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। वाओ, 13 बन गया। लेकिन कैसे बना, हमने 13 में कितनी लाइन, 3 में कितनी लाइंस ऐड की कि हमारे पास 13 बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओह, 3 में हमने कितनी एक्स्ट्रा लाइंस प्लस की, 10, तो हमारे पास क्या बन गया, 13। सेम, ठीक है, स्केल बैलेंस हो गया हमारा। पार्ट डी है, 9 में जब 9 प्लस किए तो आंसर क्या आया, 18। अब 10 में कौन सा नंबर प्लस करेंगे, 18 आ जाए। पहले 10 लाइंस लगाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के अलावा आगे वहाँ तक लाइंस लगाएं जहाँ तक 18 बन जाए, ठीक है। 10 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एक्स्ट्रा लाइंस हमने कितनी लगी, काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 10 में हमने कितने प्लस किए, 8, तो क्या बन गया यहाँ पे, 18, ठीक है। इसी तरह है पार्ट ई, 8 में जब 8 प्लस किए तो आंसर क्या आया, 16। अब 5 में हम कितने प्लस करेंगे देखते हैं। पहले 5 लाइंस लगाएं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब एक्स्ट्रा लाइंस लगाएंगे 5 के बाद, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अच्छा, 16 बन गया। कैसे बना, एक्स्ट्रा लाइंस काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 में हमने मज़ीद 11 लाइंस ऐड की तो हमारे पास कितना आ गया, 16 आंसर बन गया, ठीक है, स्केल बैलेंस हो गया। यहाँ पे भी देखें, F में 3+11, 3 में 11 प्लस की तो 14 बना। अब 6 में कौन सा नंबर प्लस करेंगे, पहले 6 लाइंस लगाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब एक्स्ट्रा लाइंस लगाते हैं ताकि 14 बन जाए। 6 के बाद क्या आता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी हमने 6 के साथ एक्स्ट्रा 8 लाइंस ऐड की तो हमारे पास क्या बन गया, 14 बन गया, ठीक है। 57 पे हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज है, चैलेंज। क्या लिखा हुआ है, चैलेंज, ग्रुप 3 और 4 एडजेसेंट नंबर्स दैट एड अप टू 20। यहाँ पे हमने 3 या 4 नंबर्स के ग्रुप बना के 20 बनाना है, ठीक है। पहले हमने एक्सरसाइज की थी कि हमने
टू टू नंबर्स को सर्कल करके 10 बनाया था, लेकिन यहाँ पे हम 3 या 4 नंबर्स को सर्कल करके 20 बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखें, 8 + 3 कितने हुए, 20। 8 में 9 प्लस किए और फिर 3 प्लस कर दिए, तो आंसर क्या है हमारे पास, 20। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखें, 3 6 7 7, ठीक है, इनको सर्कल कर दिया, 3 नंबर्स हो गए ये। उसके बाद है यहाँ पे सेकंड लाइन में 7 9 4, इनको सर्कल कर दें, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे देखें, 5 6 9, इसको सर्कल कर दिया। यहाँ पे भी देखें, 9 5 6, इसको सर्कल कर दिया। उसके बाद इस तरफ देखें, 3 9 8, इसको सर्कल कर दिया। यहाँ पे देखें, 8 5 7, ठीक है। इस तरह साफ़ सुथरा काम करके सबने इनको सर्कल करना है। ओके क्लास।